मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मेवगढ़ी में एक पत्नी ने घर में सो रहे अपने पति पर तेजाब फेंक दिया। पति चीखता चिल्लाता रहा। जैसे ही पति नदीम ने आंखें खोली तो पत्नी ने नदीम की आंखों में भी तेजाब डाल दिया। नदीम जान बचाने के लिए भागा तो पत्नी ने डंडे से हमला कर सर फोड़ दिया। नदीम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम नाम है। थोड़ा जोर से बोलो। नदीम। नदीम क्या हुआ था ये बताओ। सोते सो रहा था जब मैं सोते हुए ऊपर पहले तो मुंह पे तेजाब गिर रहा, फिर जैसे आप खुले आंखों पे तेजाब गिर दिया मेरे, और आंखों पे तेजाब डालने का मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा तो मेरे सर पे चोट मार, सर पे वार करा, इधर लगी इधर भी लगा है। किसने वार करा? मेरी घर वाली ने। क्या नाम है उसका? शबनम। कहाँ के रहने वाले हो? मेवगढ़ी तैयब सरस्वती की गली में। तो कोई विवाद चल रहा है पत्नी से? भाई रात दिन हम खाइए अचानक ही वार करा, नहीं कुछ भी बात नहीं, छोटी मोटी बात पर लड़ाई करती रहती है। जैसे घर वालों से मिलने जाते इस पर लड़ाई, भैया से क्यों मिलने हो या दोस्तों में क्यों बैठे तेजाब डाला उसने। हाँ जी। मेवगढ़ी निवासी नदीम बुधवार की रात अपने घर में पत्नी के साथ सो रहा था। देर रात्रि नदीम की पत्नी ने अचानक से नदीम के ऊपर तेजाब फेंक दिया। नदीम की आंखें जैसे ही खुली तो नदीम की आंखों पर भी पत्नी ने तेजाब डाल दिया। नदीम जान बचाने के लिए भागा तो पत्नी ने नदीम के सर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद नदीम के परिवार के लोगों ने नदीम को अस्पताल में भर्ती कराया। नदीम को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं नदीम का कहना है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नदीम ने पत्नी के खिलाफ थाना पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नदीम की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।